हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि तीन बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं और एक उनके वालिद साहब हैं, जो बेटी भी मेरे साथ बैठी हुई हैं और बड़ी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है और 22 साल इनकी उम्र है। ये भी जब 15-16 साल की हुई थी तो ये कुदरती तौर पर मज़ूर हो गई। जो दो इनके मज़ीद बच्चे हैं वो गाँव में किसी के यहाँ रहने गए हुए अपने रिश्तेदारों के यहाँ। इनके वालिद साहब से बात करते हैं कि बच्चों को आखिर मसला है क्या, ये 15-16 साल की एज में जाके क्यों मज़ूर होते हैं, और एक बच्चे का होना, दो का होना, तीन का होना, मुसलसल अगर पांच बच्चे अगर आपके ऐसे हो जाएं, वो भी 15-16 साल की एज में जाके, तो इस बाप पर क्या गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर। पहला बच्चा जो आपका ये मसला हुआ था, पैरालाइज हुआ था, मज़ूर हुआ था, कब हुआ था, किस उम्र में हुआ था? तकरीबन 10 साल पहले। 10 साल पहले। बच्चे कितने आपके? बच्चे तो माशाल्लाह 6 हैं, 2 ठीक हैं। ये 4 बच्चे, एक बच्ची जो आपके सामने बैठे हैं, ये बीमार हैं, मजदूर हैं बेचारे। तो क्या इनको मसला क्या है? आपने डॉक्टर को पहला बच्चा हुआ दिखाया, जी मसला क्या है इनको? बस डॉक्टर तो कहते हैं कि ये हमें समझ नहीं आती। मैं लाहौर भी ले गया हूँ 2-3 दफ़ा, इस्लामाबाद भी ले गया छोटा बच्चा, लेकिन उन्होंने दवाई दी थी भाई महीने के बाद अगर फ़ायदा हो तो आना, नहीं अगर ना हो तो नहीं आना। नहीं, जब यह पहला बच्चा आपका इस तरह मसला हुआ, सबसे पहले किसको हुआ था? वो सबसे पहले, उनकी उम्र कितनी है? वो है तकरीबन 25-26 साल है। ये जो इन भाई की उम्र है, इनका नाम क्या है? फैज़ुल्लाह। फैज़ुल्लाह। और इनका नाम क्या? ज़ियाउल्लाह। ज़ियाउल्लाह। ज़ियाउल्लाह साहब की कितनी उम्र है? तकरीबन 22-24 साल। तो जो आपकी बेटी है, एक ही बेटी है आपकी, इनकी कितनी उम्र है? तकरीबन 20-22 साल है। 20-22 साल है। जब सबसे पहले उनको ये मसला हुआ, जी जी, तो एकदम आप हैरान और एकदम परेशानी तो होगी होगी, लेकिन जब एक दूसरे बच्चे को हुआ, जी जी, तो क्या डॉक्टर्स ने आप बताया नहीं आपको कि भाई आपके मुसलसल बच्चों के साथ ये मसला पेश क्यों आ रहा है? डॉक्टर, कई डॉक्टर तो कहते थे आपको खानदानी बीमारी है, जबकि हमारे खानदान में पहले नहीं है। अच्छा। अब किसी भी नहीं है, ना इनके बच्चों के दादे वाली साइड पर, ना नानके वाली साइड पर है ही नहीं। बस वो कहते हैं बस आपके घर ना ये बीमारी है खानदान में, सर, जो आपके घर आके नमूदार हुई है। अच्छा। आप घर के खुद कफील हैं, कमाते हैं, तो जब बच्चा जवान होता है 15-16-18 साल की एज में, तो बाप को एक उम्मीद होती है, जी जी, कि बच्चा जवान हो गया, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जब उनके जवान होते हैं, उनके कमाने की, घर को लेकर चलने की उम्र होती है, वो तो कुदरती तौर पर मजदूर हो जाते हैं। तो एक बाप पर उस वक्त क्या गुजरती है कि मेरी औलाद है और इकट्ठे 3 से 4 बच्चों के साथ ये मामला हो जाना? बस फिर तुम्हें पता, गरीब आदमी है, बस पेट से पत्थर बांध के अपना। मैं तो शर्म के मारे किसी से बात भी नहीं की आज तक। बस ये दोस्तों की मेहरबानी है जो इतने ले के आ गए आपको। मैं तो आज तक किसी को बताया ही नहीं, अगर घर मर्ज है तो मर्ज के साथ खा लें। घर भी आपका रेंट पे है, खुद क्या करते हैं आप? खुद बस मजदूरी करता सी, पहले मुनशाना करता सी किसी फैक्ट्री, फिर मैं माड़ा चंगा बस प्रॉपर्टी तो करता सी, लेकिन बच्चे की वजह तो इन्होंने वालदा जो बीमार हुई, फिर टाइम नहीं मिला भी मैं बाहर निकल के अपना कोई काम करूँ। आपकी बीवी भी दुनिया फानी से इंतकाल फरमा गई है, इनकी माँ, तो एक माँ भी चले बच्चों का सहारा बनती है कोई मसला हो तो, लेकिन आप खुद किस तरह बच्चों को मैनेज करते हैं? माशाल्लाह बेटी आपकी जवान है, तो इनको नहलाना धोलाना, कपड़े चेंज करना, ये बाप पर तो एक क़यामत खेज मंजर होता है बेचारे। तो ये तो कमीज़ भी, शलवार भी नहीं पहन सकते, खुद इनको नहलाता हूँ, इनको पेशाब करवाता हूँ, खाना खुद पका के इन्हें खिलाता हूँ, तो सब कुछ आप ही करता हूँ। घर का खाना भी खुद बनाते हैं? खुद बनाना। आप देखिए कि खुद खाना बनाते हैं इन 4-5 बच्चों के लिए। इनका इनका नाम क्या है? सुमेरा अहमद। सुमेरा, बोल लेती हैं बात, आप बोल लेंगी, बात कर लेंगी? सुमेरा, समझ आती है आपको कि कौन क्या कर रहा है, गुफ्तगू वगैरह समझ आती है आपको? तो आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला इतना खूबसूरत बनाया आपको। तो जब आपके पहले भाई को ये मसला हुआ था, तो क्या हुआ था, घर वालों से क्या हुआ था, पता था कि अल्लाह माफ़ करे कि हमारे साथ भी कोई मसला हो सकता है? नहीं। आप पढ़ रही थी, किसी क्लास में पढ़ती थी आप? हाँ जी। किस क्लास में पढ़ती थी आप? 7। जब आप 7वीं थी तब आपके साथ ये मसला हुआ, फील क्या होता है आपको? एकदम कुछ पाँव में कुछ स्वेलिंग हो जाती है या कोई टांगे कमज़ोर हो जाती हैं, मसला क्या होता है एकदम? टांगों में दर्द होती है। अच्छा। हाँ जी। यानी कि टांगों में दर्द स्टार्ट होती है और करते करते पूरी बॉडी पे इफेक्ट करती है? हाँ जी। कमर में भी होती है। कमर में बहुत दर्द होती है। तो आप नहीं जाते? अभी भी बड़ी मुश्किल से बैठी हुई हैं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के हवाले से उनको बिठाया ताकि लोगों तक इनकी आवाज़ पहुँच सके। तो वालिद साहब आपके खुद सारे मामलात करते हैं, दिल करता होगा कि अल्लाह ताला मैं ठीक हो जाऊं, ताकि वालदा तो नहीं है, मैं इन भाइयों को खुद संभालूं, तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगी ताकि लोग जितना हो सके हेल्प करें, आपका इलाज हो जाए? हाँ जी, ये करना चाहूँगी कि लोग का मन मजे करें,
हमारा इलाज हो सके। हाँ। बड़ी मेहरबानी होगी। आपका नाम क्या है? ज़ियाउल्लाह। ज़ियाउल्लाह, आप उस वक्त कौन सी क्लास में थे जब आपके साथ ये हादसा पेश आया? मैं देखें देखे ना, ये पाँचवीं छठी क्लास में थी अच्छा, और ये सातवीं क्लास में थी, ये भी पढ़ रहा होगा। तो एक स्कूल लाइफ में जब बच्चों के साथ ये मामला हो जाए, तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि ये मसला इनके साथ हो कैसे गया। कि एक बच्चा हो तो समझ में आता है चलो भी ज़िंदगी, लेकिन एक बच्चे के साथ भी अगर वालदैन की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरती है कि अगर वो मज़ूर हो या किसी किस्म का उसका मसला हो, लेकिन जब चार चार बच्चे ऐसे घर में पैदा हों, पैदा भी नहीं बल्कि ठीक हों, नॉर्मल हों, 14-15 साल की एज में जाके हों, तो एक क़यामत खेज़ मंज़र होता है बाप के लिए भी। तो सर कुछ लोगों को पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, ताकि इनका कोई इलाज है, हो सकता है इलाज? ये इलाज तो हो सकता है, लेकिन पैसा चाहिए। कितना पैसा दरकार है? डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब जो कहते थे लाहौर वाले, इनका इलाज बाहर होगा। अच्छा, बाहर के ममालिक में होगा या इंडिया में ले जाओ। तो मेरे पास तो लाहौर का किराया नहीं है। मैं तो बेचारे को अगर तुम्हें बताया ना। तो बाकी जो आपके बच्चे दो हैं उनको किधर भेजा हुआ? हाँ, वो कल छोटा भाई गांव से आया था, वो ले गया कि यार हम भी चलो चार दिन हमारे पास रह आए, तो वो ले गया। मैंने अभी तुम्हारे आने से पहले फ़ोन कर रहा था कि ठीक है, वो कह रहा है हाँ ठीक है, बस ठीक है। आप तो एक सेकंड के लिए घर से बाहर निकल भी नहीं सकते? नहीं, नहीं, जा ही नहीं सकता। मैं तो बाजार तक नहीं जा सकता बेचारे पीछे से, ये तो कूलर ही वहाँ पड़ा है। ये तो जो बेटा आपका ठीक है वो कुछ काम वगैरह करता है? वो बेचारा मजदूरी करता है गला मंडी, वो शादीशुदा है, उसके दो बेटियाँ हैं, वो तो खुद अपना खर्चा पूरा नहीं उठा सकता, मुझे क्या देगा। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी, और मेरी देखने वालों से सबसे गुजारिश ये है कि ये वाकई आपकी इमदाद की, आपकी मदद के हकदार हैं, और हम इतनी दूर अगर इनके पास आए हैं तो हमारा मकसद भी यही है कि इनकी मदद हो सके, इन बहन भाइयों का इलाज हो सके। बिल्कुल जी, मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि नंबर इन बच्चों के वालिद साहब का स्क्रीन पर चल रहा है, जितना हो सके दिल खोल के, और ख़ास तौर पर मेरी गुजारिश गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से है, अगर तो उन तक आवाज़ हमारी पहुँच रही है, इनका इलाज करवाया जाए, और ताकि इनके घर में एक जिस तरह ये एक अजीब सी कश्मकश है ये ख़त्म हो सके, ये बच्ची का इलाज हो सके, ये बच्ची की शादी हो सके, ये बच्ची के दूसरे घर जा सके, इस बाप को खुशी हो अपनी बच्ची की शादी करे। और ये बेचारे बच्चे स्कूल लाइफ पढ़ रहे थे, गुजारिश देखने वाले से कि जितना हो सके इनके वालिदैन की, इनके वालिद साहब की मदद करें, ताकि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में सुकून पैदा कर सकें और इस बाप को भी सुकून आ सके। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।